أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات سورة مبارک احزاب کی آئے کریمہ پروردگار عالم اس کلام میں کچھ وفاداروں کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ شناختی کارڈ کا مسلمان نہیں چاہتا کردار کا مسلمان چاہتا عزیزان گرامی ذات کبریا ایسے مردوں کو یاد کر رہا ہے جو وعدہ پورا کر دیتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں اللہ ہر ایک مومن کو بھی مرد ماننے کو تیار نہیں ہے جیب رسی وہ کہ جس کے ہاں ایمان دور دور سے نہیں گزرا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ان میں سے کچھ ہیں کہ جو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس کی ان کو تمنا ہوتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ اور کچھ ہیں جو اس مقام کے منتظر رہتے ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور اللہ کہ یہ بندے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے محبتیں اور وابستگیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک مردانہ وابستگی ہے اور ایک زنانہ وابستگی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی مردانہ وابستگی رکھتا ہو ممکن ہے کوئی عورت ہو اور کردار میں مردانہ وار رہتی ہو اور ممکن ہے کہ کوئی مرد ہو اور کردار میں زنانگی پائی جاتی ہو ڈاکٹر صاحب کے پاس دو ماں باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر گئے
डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद कहा कि इंजेक्शन लगना चाहिए। जैसे ही बच्चे ने इंजेक्शन का नाम सुना, बिलबिलाने लगा, रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। बच्चा इंजेक्शन से डरता है, तो अब्बा ने बढ़कर कहा, डॉक्टर साहब खुद अच्छा हो जाएगा, इंजेक्शन नहीं लगाइए, मुझे इसका रोना बर्दाश्त नहीं है। मां आगे बढ़ी और हाथ पैर दबोच कर कहा, डॉक्टर साहब खुद अच्छा नहीं होगा, इसे इंजेक्शन लगाइए। मोहब्बत तो बाप की भी है, मोहब्बत तो मां की भी है। एक मोहब्बत को मर्दाना मोहब्बत कहते हैं जो मां की है, और एक मोहब्बत को जनाना मोहब्बत कहते हैं जो बाप की है। अल्लाह साहेबाने किरदार को अजीज रखता है, और अपनी जबान से कह देना ये ईमान की अलामत नहीं है, बल्कि इसे साबित करना होगा। आपने देखा, शदीद बम धमाके के बावजूद अलम सरनुगू नहीं होने पाया। ये वो चंद मिसालों में से एक मिसाल है। ये इस वक्त जो हम और आप यहां पर जमा हैं, रात का ये पहर हो चुका है, और अभी नहीं मालूम कि कहां तक ये सिलसिला जारी होगा, और यकीनन ये तो सारे जिंदगी का सिलसिला है। आपको और हमें इस बात के इल्म के बावजूद के हालात हमारे मुताल्लिक खराब किए गए, खराब किए जा रहे हैं, और आइंदा भी हमें कोई तवक्को नहीं है, लेकिन मजमे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों के आबोताब पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका सबब क्या है? एक अहद है जिसकी वफादारी हो रही है, एक वादा है जिसे पूरा किया जा रहा है, और वादा पूरा करने वाला अजीजाने गिरामी वादा पूरा करता है। ये नहीं देखता कि मेरी गर्दन कट रही है, मेरा घर लूट रहा है, मेरा माल लूटा जा रहा है, वादा पूरा होना चाहिए। ये मजलिस अज़ा जिसमें आप और हम यहां जमा हैं, ये एक वादे की वफादारी है। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह। सदाकत तीन एतबारों से मुमकिन है, सदाकत बे एतबार खबर, सदाकत बे एतबार वादा, सदाकत बे एतबार अहद। एक खबर को एक जगह से दूसरी जगह वैसे ही मुंतकिल कर देना जैसे थी, तो उसे सच्चा कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये खबर को सही और सालिम मुंतकिल करने वाले हैं, सदाकत बे एतबार खबर। मगर मेरे अजीजों, अगर आप एक जुमला महसूस करें, सदाकत बे एतबार खबर के लिए जरूरी है कि पहले वाकया हो फिर खबर हो, खबर वाकये से पहले नहीं होती। ये मजलिस गुजर जाएगी तब खबरें बनेंगी कि किसने कैसे पढ़ा, मजलिस होने से पहले तो कोई खबर नहीं है। पहले वाकया है फिर खबर है। कुर्बान जाइए ऐसे घराने पर जहां खबर पहले है वाकया बाद में। तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैयदा पहले खबर सुना रही हैं, ए हसनैन तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। तवज्जो कर रहे हैं आप हजरात, और बाद में वाकया सामने आ रहा है, दर्जी लेकर आ रहे हैं। सदाकत बे एतबार वादा, मैंने वादा किया मजलिस पढ़ने आऊंगा और उसको पूरा कर दिया जाए, ये सदाकत हो रही है, सच्चाई हो रही है। सदाकत बे एतबार अहद, अपने रब से वादा, उसे अहद कहा जाता है। अपने मौला से पैमान, उसे अहद कहा जाता है। जब अपने मौला व आका व अल्लाह से वादे को पूरा कर दिया जाए, तो ऐसे लोगों को अल्लाह सच्चा कहता है। जो अभी जबान के सच्चे नहीं हैं, वो वादे के सच्चे नहीं हो सकते। जो वादे के सच्चे नहीं हैं, वो अहद के सच्चे नहीं हो सकते। अब आपने देखा, सदाकत की जमीन कितनी ऊंची हो गई, हर एक को अल्लाह सच्चा मानने को तैयार नहीं है। सदकू मा अहदुल्लाह अलैह, नहीं कह रहा अल्लाह कि वो सच्चे हैं जो जबान के सच्चे हों, वो सच्चे हैं जो वादों के सच्चे हों। अल्लाह अहद के सच्चों को सच्चा कह रहा है। सदाकत की जमीन छोटी नहीं है, बहुत ऊंची है। जो अभी जबान के सच्चे नहीं है,
वो वादे के सच्चे नहीं है, वो अहद के सच्चे नहीं है। और मैदान मुबाहला में वो आएगा जो अहद का सच्चा।